आपका जीवन बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक प्रति इतना रुचि थी और इतना अध्ययन किया, और मेरे ख्याल से पूरी वर्ल्ड में एक दो देश, शायद रशिया और एक बस छोड़ के जितनी दुनिया में देश है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, सब जगह पैसा अपने सेवा करके आए हैं, जिस तरह यहाँ पर सेवाएं कर, सारी फॉरेन सेवा के बहुत अच्छा अनुभव है। तो आप समझ लीजिए बाबा ने संगम युग में ही उनको चक्रवर्ती राजा बनाया। ताली तो बजाओ आपने। और हमारे यहाँ 18 विंग्स है, सबसे जो मुख्य विंग है, क्योंकि धर्म की स्थापना हो रहे तो माताएं कोई भी उठे नहीं है, दो मिनट सभी बैठ जाए, भाई साहब को सम्मान करना है, कि बिना सम्मान करे जाएंगे आप लोग, फायदा तो ले लिया घर चल पड़े हैं, तो आप बैठो, भाई साहब का सम्मान करेंगे, 5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। सभी संकल्प लेके बैठे, आज भी विशेष योग करना है आप लोगों को, जैसे कल यहाँ पर मधुबन का स्वरूप हो गया था, आज भी उस चीज का अनुभव करेंगे। तो आदरणीय भाई साहब को आप सभी बहुत बहुत दिल से उनका ताली बजाकर अभिनंदन करें, वंदन करें, क्योंकि पूरे ग्लोब में बाबा उनसे सेवाएं ले रहे हैं। जो मुख्य विंग है धार्मिक विंग की, बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपको बाबा ने दिया है, क्योंकि बाबा कहते हैं जो धर्म नेता है, धर्म नेता के साथ, जैसे धर्म नेता अभिनेता नेता, धर्म नेता के साथ लाखों का भीड़ होती है, उनका जो शिष्य होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, मानने वाले होते हैं, उनको कन्विंस कौन करेगा, उनका धर्म नेता लोग करते हैं। अगर उन धर्म नेताओं को धर्म गुरुओं के ज्ञान समझ में आ गया, समझो बहुत बड़ा परिवर्तन एक क्रांति के रूप में, एक रेवोल्यूशन के रूप में आ सकता है। वो वैसा पूरा भारत के देश विदेश के जो बड़े बड़े संत महात्मा धर्मगुरु सत, जिसको भी आप कहते हैं सतगुरु, लोग अपने पीछे श्री श्री 108 सतगुरु लिख के जो अपनी गति संभाल रहे हैं, उनको निमंत्रण दे करके हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में उनको बुलाकर धर्म सम्मेलन हर साल करते हैं। ताली तो बजाओ, हर साल करते हैं। और शायद ही भारत के जो जितने बड़े बड़े महंत संत धर्म गुरु है, सभी भाई सबको जानते हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, काशी हो, दक्षिण भारत हो, ये हिमालय हो, चारों दिशाओं से उन सबको निमंत्रण देते हैं, बिल्कुल सिस्टेमेटिकली उनका सारे व्यवस्था करते हैं, और पूरा बाबा का संदेश दे करके बहुत से संत महात्मा लोग भी परमात्मा का अवतरण का जो शक्ति वहां पर अवतरण हुआ है उसको अनुभव करके जाते हैं, फिर अपने अनुभव में शेयर भी करते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बैसाख को बाबा ने दिया। और बहुत अच्छी अच्छी बातें, जब आप समर्पित हुए थे माउंट आबू में कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा पांडव भवन, ओम शांति भवन भी बाद में बना, ज्ञान सरोवर भी बाद में बना, शांति वन भी बाद में बना। आप समझ लीजिए इतने हमारे सैकड़ों दादियों के बीच में, बाप दादा के बीच में सिर्फ 50 लोग, मन आप समझ रहे परमात्मा या बाप दादे दादियाँ इन्हीं को देखेंगे, इन्हीं को दृष्टि देंगे, इन्हीं को टोली देंगे। हाँ, उतनी श्रेष्ठ पालना में आप पले हुए और इतनी जिम्मेदारियां बाबा ने आपको दिया है। और हमारे यहाँ जो टोली डिपार्टमेंट है, उसका फाउंडेशन से लेके टोली, जो पूरे यज्ञ में टोली जाता है, VIP टोली से लेकर के बाबा के बच्चों के लेकर के, सारी जिम्मेदारी दादी जी ने शुरू से आपको दिया था, उसको भी बहुत सुंदर निभाया। वैसे वैसे तो बहुत से बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आज बड़ा खुशी हो रहे हैं, विदाई की समय है, समापन का समय है, और आप लोग भी 3 दिन में पूरा समय दिया, ये बड़ा खुशी की बात है। तीन दिन तक लगातार आपने सुबह से लेकर शाम तक, या बाबा की घर में या बाबा के कार्य में आकर के तपस्या किया, ये भी आप सभी के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरी जगह आप लोग ताली बजाओ अपने लिए, तो बहुत अच्छा है। एक छोटे सा कार्यक्रम है, मैं मंच पर अपना आदरणीय वैसा को, मंजुनाथ वैसा भी मंच पे आ जाए, बात तो सुन।
और भगवती प्रसाद भाई साहब भी मंच पे आए, जो भाई साहब को सम्मान करना है मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ। डॉक्टर राम बाबू से भी निवेदन करता हूँ भी मंच पर आ जाओ। संचिता भाई साहब के सम्मान में उनका सम्मान में बहुत सुंदर प्रस्तुत करेंगे सभी दीदी इधर से थोड़ा उधर बैठे दो मिनट बस दो मिनट और रह गए सबको बाबा के एक मिनट रुकिए ऐसे ही ऐसे संचिता कुमारी संचिता आदरणीय हमारे माउंट से पधारे हुए रामनाथ भाई साहब मंजीनाथ भाई साहब और आप सबकी सम्मान में एक बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आप सभी उस कुमारी का स्वागत करें ताली बजाकर बहुत सुंदर।
धन्यवाद आप लोग बहुत सुंदर, इन्होंने आपकी भाई सबके सम्मान में बहुत सुंदर गीत के साथ, भावनाओं के साथ, नृत्य के साथ प्रस्तुत किया। तो आप लोग एक बार जोरदार से उनके लिए ताली बजाएं। अभी सतीश। ओम शांति। आप सबके चेहरा को देख के ही पता चल रहा है ना, जो 3 दिन पहले की जो चेहरा, अभी की आज की चेहरा, तो बहुत अंतर आया ना। कैसे अंतर आया? नहीं, जो योग की शक्ति ना, उसका जो विधि से जो भाई साहब ने हम सबको, वैसे तो हम रोज ही योग करते भी है, अभी जो 2 दिन में भाई साहब ने जो खजाना, जो विधि, जो उसका विधि क्या है, कैसे बाबा से शक्ति लेना है, तो वो तरीका इतना सुंदर, इतना सरल भाषा में और हम सबको भरपूर किया ना। हम सबका जो जोली है वो भरपूर हो चुका है। तो यही हम आप सब से जो नम्र निवेदन है, जो भाई साहब ने जो आप सबको अपना अमूल्य समय देके यहाँ आके, इतना बिजी होते हुए आपका कई प्रोग्राम था भाई साहब ने, इतना सहज रीति से हम लोगों का जो निमंत्रण स्वीकार किया और आए आप सबके बीच में, और इतना सुंदर अभी 2-3 दिन लगातार जो खजानों का बरसात किया है, तो हमारे यही आप सबसे ये है, जो आपने जोली भरा है तो वो जोली हमेशा वो भरा रहे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, उस जोली में छेद ना हो, तो वह छेद हो तो क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसको आगे ही बस, अभी जो 2-3 दिन हमने जो किया है यहीं तक ना रहे, तो उसको क्या करना है, तो उसको आगे और हमें बढ़ाते ही रहना। तो जो पैसा हम लोग को इतना सुंदर विधि बताया, उस विधि को हम पूरा पूरा लाभ लेंगे। आपका जो अमूल्य समय हम सबको दिया है, तो इस बात को हम लोग पूरा ध्यान रखते हुए, तो हम सब भाई साहब को बहुत बहुत भाई, मतलब कल्याणपुर की भाई बहनों की तरफ से, हम सब बहनों की तरफ से, भाई साहब की तरफ से, तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तो हमारी इच्छा यही है, ऐसे ही भाई साहब हम लोग के बीच में आते रहे, रिफ्रेश कराते रहे, तो आगे भी हम चाहते हैं जल्दी ही भाई साहब का यहाँ आगमन हो। तो यही हम सबका इच्छा, आप सबका बताएं, आप लोगों का है कि नहीं। तो देखिए, हम यही चाहेंगे भाई साहब और जल्दी आए, और हमारे मंच में जो हमारे विधायक जी भाई साहब हैं और डॉक्टर साहब हैं, तो आपका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारे बगल मधुबन से जो भाई साहब आए हैं, तो उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो आप सबका भी ना, अभी जो हमारा जो यहाँ बोला कि जो सेवादारी भाई बहने हैं, तो उनका भी आप सबको परिचय कराया, तो वो लोग भी बहुत दिल से हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं सेवा के लिए, तो उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मालूम है यहाँ बैठे हुए सारे विश्व आप सबको देख रहे हैं, मालूम है कि नहीं। जो हमारा राकेश भाई है, जो आप सबको मतलब बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहा, कोई ऐसे बड़ा कैमरा तो है ही नहीं यहाँ पर, लेकिन इतनी छोटी सी कैमरे से जो आपको सारे विश्व अभी देख रहे हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं ना, जो बेहद का जो सेवा, तो ऐसे हमारे राकेश भाई साइंस के माध्यम से, तो ये बेहद का सेवा आप विशेष रूप से बहुत दिल से, हर जगह जहाँ भी बाबा का कार्यक्रम होता है, तो वहाँ जाकर बाबा को प्रत्यक्ष करने के, बाबा कहते हैं जो लास्ट में सबसे जो तीव्र गति से जो सेवा बाबा का बैठते हैं, तो ये मीडिया के माध्यम से, ये साधन के माध्यम से, तो इतना सुंदर सेवा जो हो रहा है, वैसे सेवा हमारे राकेश भाई विशेष आत्मा
जो ये सेवा करे बेहद का सेवा, तो आपको विशेष विशेष धन्यवाद। और तीन दिन आपने टाइम देके यहाँ आए हैं, ये सब हम सबकी सेवा बाबा का प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे आत्मा को बहुत धन्यवाद।